जी नमस्कार, मैं नेहा मोदी और आप देख रहे हैं स्टार सिटी 24। धनबाद के कांग्रेस पार्टी हमेशा विवादों में रही है। आज तो कांग्रेस पार्टी ने हद कर दी। पिछले दो महीने से धरने पर बैठी पीड़िता ज्योति दत्ता का बैनर कांग्रेसियों ने फाड़कर सड़कों पर फेंक दिया, जिसका विरोध युवती ने जताया। विरोध करते हुए पीड़िता युवती कांग्रेस के धरना स्थल पहुंच बैनर फाड़ने का कारण पूछने लगी। युवती अपने बैनर के फाड़े जाने से काफी आक्रोशित दिखी। युवती का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। रोते बिलखते अपना कसूर जानना चाहिए, बैनर फाड़ने का कारण पूछती रही। इस दौरान पीड़िता ने घंटों रणधीर वर्मा चौक पर अपनी बैनर लगवाने के लिए गुहार लगाती रही। जब उनकी बैनर नहीं लगा तो युवती ने बीच सड़क पर गाड़ी के नीचे लेट गई, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने युवती को सड़कों से हटाने के लिए धक्का मुक्की में युवती बेहोश हो गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची धनबाद पुलिस ने एम्बुलेंस के माध्यम से युवती को इलाज के लिए अस्पताल भेजने की तैयारी में जुट गए। हालांकि इस दौरान कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता युवती को समझाने का प्रयास किए, लेकिन बैनर फाड़ने की बात से इनकार भी करते रहे। पीड़िता ने कहा, उसके बैनर को कांग्रेस पार्टी के लोगों ने फाड़कर फेंक दिया, उसकी गलती क्या है? वह अपने पिता तथा उनके साथियों के प्रताड़ना से तंग है। उसके संपत्ति को पिता हड़पना चाहते हैं। हत्या तक की सुपारी उसके पिता ने दे दी है। इसकी कार्रवाई की मांग को लेकर दो महीने से धरना दे रही है। वही धरना दे रहे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बजेंद्र सिंह ने कहा कि कोई बैनर नहीं फाड़ा गया, ये युवती मीडिया में हाईलाइट होने के लिए ड्रामा कर रही है। अब सवाल यह उठता है कि एक और जहां सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नारा देती है, वहीं बेटियों के साथ कांग्रेस के लोगों ने धरने पर बैठी बेटी का बैनर फाड़कर बेइज्जत करने का काम किया, यह कहां तक उचित है? कहीं यह सत्ता का गुरूर तो नहीं? क्योंकि सामर्थ्य को कोई दोष नहीं होता, यही कहावत को साबित करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी के लोग तो नहीं कर रहे हैं? बैनर फाड़वा रहे हैं, मेरा बैनर क्यों फाड़ा गया? मैं गिरफ्तारी के लिए बैठी हूँ। मुझे अपने ही पिताजी और पुलिस प्रशासन उसमें सपोर्ट कर रही है। एनकाउंटर थाना के बड़े साहब क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? क्यों नहीं उस गिरफ्तारी सारे गुनहगारों को? मुझे मर्डर करवाने का कोशिश किया गया प्रॉपर्टी के चक्कर में, और SSP ऑफिस के अंदर ही करवाने का कोशिश किया गया। आज 1 महीना 10 दिन मतलब 2 महीना बिना खाए पिए मैं यहाँ अकेली बैठी हूँ। मेरा क्या कोई सम्मान नहीं? मैं पढ़ाई भी कर रही हूँ, बच्चा भी देख रही हूँ, माँ बाप को देख रही हूँ। क्या मेरा आज क्या हुआ आपके साथ? आज क्या हुआ आपके साथ? मैं बैनर के सामने बैठी थी, कांग्रेस पार्टी के कौन भी सर है वो पकड़ के बैनर को फाड़ दिए। ये कहाँ का न्याय है भाई? मैंने तो आपका बैनर नहीं फाड़ा, मैंने तो आपका झंडा नहीं उठा के फेंका। फिर हमें क्यों हाथ छोड़वाया गया? क्यों मुझे मारा गया? क्या गलती है मेरी? मैं पुलिस प्रशासन को देके मरवाया गया, वो कांग्रेस पार्टी के जो है वो बैनर को फाड़ दिए। हाँ क्या गलती है? धरना पे गिरफ्तारी के लिए बैठे पिताजी और भी कुछ गुंडे हैं जो उनके द्वारा है, अपने सगे पिता। कारण यही है प्रॉपर्टी के लिए और कुछ गुंडों को सुपारी पैसा दे करके हमें मरवाने के लिए लगवाया जा रहा है, जिसका वीडियो एविडेंस मेरे पास है, फोटो मेरे पास है, फिर भी कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। क्या गलती है भैया मेरा? अब सही है इसलिए गलती है क्या? मेरा सही होना गलत है, मेरा सच बोलना गलत है? खड़ा है वो हवा से या भले से लटका हुआ था, लटका हुआ था, उसको छुआ वो गिर गया। हम लोग क्यों खड़े थे?
हम एक दिन इससे मिलने के लिए आए थे कि भाई क्यों इसके इसको क्या जरूरत पड़ गया इतना बैठने का, तब मालूम ये बताई हमको। हम बरसात में भीग कर आए थे और इसके लिए फिर हम SDO को फ़ोन किए। इसलिए कांग्रेस पार्टी किसी का भी काम करने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं, ना कि किसी का बैनर फाड़ना और ये करना, ये हम लोग का काम नहीं है। और कोई भी कार्यकर्ता हमारा इस तरह का कार्य नहीं करता है। कांग्रेस पार्टी गरीबों को साथ देती है, न कि ये सब गलत कार्य हुए। कैमरा में आया है आपका। अरे उनके सर पर लटक के आप फट के तो वो और ये किए तो हो गया। तो इसलिए देखिए अभी हम क्या बता रहे हैं। कोई बोलता है कि हम 2 महीना से हड़ताल शीतकालीन थे, दो महीना आप रहिएगा तो आप कहाँ रहिएगा पहले ये बताइए। आप अगर भूख हड़ताल और अनिश्चितकालीन पे बैठिएगा आप 2 महीना में कहाँ रहते। चलो ये सब देखिए, आप लोग कैमरा जो ऑन करते हैं ना उसी में आने के लिए बहुत लोग।